लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर पलासिया पुलिस ने आधुनिक साइबर तकनीकों का उपयोग कर नकली नोट छापकर बाजार में नोट चलाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 के करीब नकली नोट बरामद किए हैं। पलासिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो आरोपी नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे हैं। वहीं पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर करीब 50,000 के नोट के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,500, 200 और 100 के नकली नोट जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी सूर्य प्रताप सिंह, दीपक वानखेड़े, जिसमें आरोपी दीपक वानखेड़े साइबर एक्सपर्ट है और नेट सर्फिंग में भी माहिर है। वहीं दीपक डार्क नेट और डीप नेट जैसे सर्च इंजन का उपयोग कर नकली नोट और जंगली जानवरों के अंग आदि के व्यापार में भी लिप्त है। बताया जा रहा है कि दीपक कालफ्री नामक प्रक्सी सर्वर का उपयोग कर लोगों को कॉल कर नकली नोट बेचता था। वहीं दीपक ऑनलाइन विदेशी कंपनियों से बॉन्ड पेपर नोट छापने के लिए भी बुलवाया करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। दो आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें एक का नाम सूर्य प्रताप सिंह चौहान है जो इटावा का रहने वाला है। एक अन्य आरोपी दीपक पिता रमेश वानखेड़े है जो कि नागपुर का रहने वाला है। इसमें जो करेंसी जो हम लोगों ने जब्त की है वो सूर्य प्रताप से जब्त की है, जो कि लगभग 49,000 के 2,500, 200 और 100 रुपए के जो है नकली नोट से बरामद हुए हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक पर्टिकुलर टाइम के, एक पर्टिकुलर समय के समय पर जारी हुए जो ऐसे नोट्स को जो है ये कॉपी करता था प्रिंटर से, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिकेशंस नहीं होते थे। और तो इस प्रकार के कुछ नोट इससे बरामद हुए हैं, जो कि बड़ी राशि दे के जो है ये कहीं से ख़रीदता था और उसके बाद प्रिंटर से जो है एक पर्टिकुलर टाइप के पेपर पे उनका प्रिंट निकाल के जो है ये मार्केट में चला देता था। इसने किस किस को जो है ये नोट सप्लाई किए हैं, उसके विभिन्न ग्रुपों पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। कहां कहां इन्होंने इस प्रकार के नोट जो है छुपाए हैं उसके बारे में भी पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।